सो गाइस कैसी लगी आपको मेरी गाड़ी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई BMW जा रही है। ये इसको क्या हो गया? ये जा रही है श्रीनगर वगैरह। ऐसे खराब हालत में भी कितनी प्यारी। खराब हालत में नहीं है गाइस। थंबनेल के लिए देखो क्या क्या किया जा रहा है। थंबनेल के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ती है। वेलकम टू ज़ीनत व्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस बड़ी देर बाद मैं निकली हूँ घर से बाहर कुछ व्लॉग बनाने। तो अभी मैं निकली हूँ, ठीक है। काला चश्मा जो पहना था वो मैंने ऊपर कर दिया, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पे धूप होगी वहीं लगाऊंगी मैं। वैसे तो मैंने ये स्टाइल मारने के लिए लगाया था, सबको पता ही है। तो गाइस आज बड़ी देर बाद ही निकली हूँ मैं। मुझे वैसा लग रहा है बड़ी देर बाद निकली हूँ, बट उतनी भी देर बाद नहीं निकली हूँ, पर मुझे ऐसे लग रहा है। तो इस साइड धूप है फिलहाल, ऐसे रखते हैं और बैग चलते हैं। तो गाइस आपको आज एक मस्त सा ज़बरदस्त मज़ेदार सा व्लॉग देखने को मिलेगा यहाँ पे। कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको व्लॉग देख के। पूरा एंड तक देखना, कुछ नया है मेरे व्लॉग में, ट्विस्ट आया है जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया व्लॉग में, वो आएगा। तो पूरा व्लॉग देखना। तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मेरा मेकअप कैसा हुआ वो भी बताना। मेकअप वाली वीडियो भी मैंने दूसरे वाले चैनल पर डाल दी, मैं आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। इस लिंक को जाके ओपन करना डिस्क्रिप्शन में जाके। तो गाइस मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा। सोच रहे होगे क्यों कैसे, वो इसलिए क्योंकि मैं लास्ट वाले जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं उस समय इतना कम प्यार बरसा रहे हो तुम लोग। आइए थोड़ी होता है यार, पहले बंदे को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, व्यूज़ दो। जब बंदा मेहनत करे तो फिर तुम लोग प्यार ही दिखाते जाओ यार, ऐसे ही यार। ऐसा कोई मसला नहीं, अब इस व्लॉग में आप ढेर सारा प्यार दिखाओ, ढेर सारा, ठीक है। सो हे गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ। कुछ रीजंस की वजह से मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, जो मैंने आपको बताया था कि आज कुछ व्लॉग में अलग होने वाला है, कुछ ट्विस्ट होने वाला है, वो नहीं हो पाया कुछ रीजंस की वजह से। और गाइस अपना ढेर सारा प्यार दिखाने इस व्लॉग को, ढेर सारा, ताकि मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। मैं सिंगल ही मस्त रहूँ इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ महीनों में। आपकी बहन ना इंशाल्लाह इस जगह होगी। ओके गाइस, कल का वेट करो एंड लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में ज़रूर बताना कैसे कैसे लगा ब्लॉग। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपको बोला था सुबह निकलूँगी मैं, ठीक है। और मैंने ड्रेसअप देख लो वही पहना है, मेरे को लगा ये मेकअप इस टॉप के साथ जाएगा। और नीचे पहन लिया मैंने जीन्स टॉप और पर्स ले लिया। तो अभी मैं निकल रही हूँ आपको मस्सी एक, अभी नहीं बताऊँगी आगे क्या दिखाने वाली हूँ, उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा आगे तक। सो गाइस, मैंने आपको बताया था ना कुछ अलग दिखेगा, आज मैं आपको बताऊंगी मॉडिफाइड कार, ठीक है। आज तक आपने मेरे मतलब व्लॉग्स में बाइक वगैरह देखी होगी, आज आप कार देखोगे। एंड प्रमोशन भी थी तो मैंने सोचा यहाँ से आप व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगी, अभी जस्ट मैं बैठी हूँ कार में, अभी उतना नहीं बताऊंगी, बाहर निकल के पूरा बताऊंगी। और जिनकी ये कार है, जिन्होंने मॉडिफाई की है, उनसे भी आपको मिलाऊंगी और उनसे पूछ के बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है। अभी फ़िलहाल तो कार वॉश हो रही है यहाँ पे सिद्रा सर्विस स्टेशन में। और अभी यार ये मतलब ये तो नॉर्मल आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो गाइस हम व्हील्स वगैरह शूट कर रहे थे, आप फेस से हालत देख ही सकते हो कितनी बुरी है, इतने धूप में शूट कर रहे थे। ये इसको क्या हो गया? इसमें आपको कहा था ना ट्विस्ट आएगा व्लॉग में, कुछ अलग दिखेगा। आज तक मैंने कभी आपको मॉडिफाई कार्स वगैरह ऐसे नहीं दिखाई है, तो आज मैं बताऊंगी आपको। इन सब आप बाइक लवर्स हो ना, हम कार लवर्स हैं, तो भी हाँ सही है ना, हम फोर व्हीलर लवर हैं, आप टू व्हीलर लवर सही है। तो अभी हम लगाते हैं कहीं गाड़ी लगाते हैं। अब वहाँ आपको सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। सो ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड रहो तब तक। ऐसे ऐसे आपके जितने भी सारे एकदम परफेक्ट। थैंक यू यार, जैसे आप ऐसे घुमाते हो ना वो फिर एंगल वगैरह पूरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा। वही मैं ऐसे करती हूँ, थैंक यू बताने के लिए। अब मैं गाइस ऐसे करूंगी ऐसे और ऐसे। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट खाए कैसा लग रहा है आपको हमारी खिदमत करके? तो फाइनली गाइस हम कुछ ऐसी लोकेशन में पहुंचे
तो अभी भी ये बोल रहे हैं अभी फिर से रील बनानी है, यानी मन ही नहीं भर रहा है और रील बनवानी है। बिल्कुल, जब सुपरस्टार साथ हो ना तो जितनी फेम और प्रमोशन लेनी हो ले लो। हाँ, बड़े सुपरस्टार हो जैसे मैं। वाह वाह, तो ये गाड़ी है, ठीक है, क्या नाम था इसका? प्रेरणा। नहीं, ये गाड़ी नहीं है। ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शूटिंग हो रही है। सो के बताओ अपनी ब्रीजा के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। यस, तो कैमलिन रैप हुआ है ये, ठीक है, जो कि कलर चेंजिंग है। जब आप धूप में रात को गाड़ी खड़ी करते हो। हाँ, क्या कर रहे हो? रात को तो धूप ही नहीं होती, जब रात होती है तो मैं गाड़ी को देखने में बिजी। फ्रंट वाला जो पोर्शन ये ब्लैक दिखता है, डे टाइम जो शेड आती है। जी हाँ, जैसे वेदर होता है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। अभी देखो ये जो शेड है ब्लू लग रही है, ये वाली पर्पल, और जब हम इस साइड से देखोगे तो टोटली डिफरेंट शेड आ रही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें फ्रंट हेडलाइट्स की, हाँ 2020 वाली जो ब्रीजा थी उसमें ये हेडलाइट्स आते थे, बट ये जो मॉडल है 2018 है। जब 2020 में फेसलिफ्ट आया ब्रीजा का, तो उसमें ये कंपनी ने हेडलाइट्स दी। हमने क्या की कि 2018 वाले वेरिएंट में 2020 की हेडलाइट्स डाली, और इसमें फीचर्स क्या है वो भी बता देता हूँ। जो जे एंड के में सिर्फ एक गाड़ी है, ये जब कोई लड़की फंस जाती है कहीं पे तो उसके बालों में बांध के ये निकाल। देखा, सुन रहे हो? तो ये रही इसकी हेडलाइट्स, रेड रेड। हाँ, जम्मू कश्मीर में एक ही ये गाड़ी है जिसकी ये हेडलाइट्स हैं, रनिंग DRL जो है इसमें रेड है, अंदर डेविल आई है, और ये रात को ऐसा लगता है जैसे आपको ये देख रही हो। J&K में एक ही है ये? हाँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे की नहीं आ रहा है, J&K में एक ही है जो मैं देख रही हूँ। क्या पता कल से आपके फैन फॉलोइंग भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी फैमिली तो जरूर देखेगी। हाँ, और आगे फ्रंट पे पड़ी हुई है रेंज रोवर पैटर्न ग्रिल, साथ में ये डाली है बाइक लवर्स की डिमांड। हाँ, ये तो बाइक लवर्स की है, मानती हूँ। क्या कहते हैं ये तो पता ही होगा ना। ये हालत है व्लॉगर्स की, ये आ गई अपना, जब फोग हो काफी ज्यादा तो अब इनको ऑन करके आप इजिली ड्राइव कर सकते हो। हम तो कहते हैं उल्लू वाली लाइट है। हाँ, उल्लू वाली लाइटें, ये उल्लू वाली लाइटें बिल्ले में लग गई है, व्हाइट बिल्ला है हमारा। और ये रही इसकी टो, टूट जाएगी। अरे नहीं, बाइक थोड़ी। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि सबसे जो प्यारी चीज इस गाड़ी में आपको क्या लगी, सबसे ज्यादा प्यारी, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हो? वैसे तो पूरी गाड़ी प्यारी है। अच्छा, फिर भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है यार इसका कलर ऊपर वाला, और इसकी आईज जो है उल्लू वाली आईज, उल्लू वाली आईज, और ये चीज इससे बिल्कुल ऐसे ऐसी लुक आती है। क्या क्या बोलते हैं, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर टाइप, नहीं मॉन्स्टर टाइप भी कह सकते हैं, और भी कुछ कह सकते, कुछ ना खतरनाक जंगली जैसी लुक, जंगली लग रही है। तो बात करें हम इसके फोगलेट्स की, तो ये भी ऑफ्टर मार्केट है, हाइपरसोनिक के प्रोजेक्टर्स वाली फोगलेट्स पड़ी है, इंक्लूड LED। इसमें हम LED बाहर से नहीं डाल सकते। तो ये रहा कुछ इंटरनल व्यू, ये जो गाड़ी थी बेस से ऊपर वाला वेरिएंट था, जिसमें आप कप को मिलते हैं फिजिकल बटन, डिस्प्ले नहीं मिलता है, तो अपना टच स्क्रीन डाली हुई है 9 इंच की, 3-4 साल हो गए हैं इसको। और ये रहा इसका सिल्वर कुछ मैचिंग एडिशन किया हुआ है, ये कंपनी ने दिया था, हमने सोचा इसी को थोड़ा ऐड करते हैं, राइट लेफ्ट पूरा बराबर। और ये आ गया इसके स्टीयरिंग कंट्रोल, ये कंपनी की तरफ से, क्या आपने लिखा? ये नींबू कंपनी की तरफ से, और ये भी हमने खुद से लिखा है मोइजा। और कमेंट सेक्शन में बताना कि मोइजा नाम किसका था, और ये मोइजा लिखने का इसके पीछे का क्या रीजन है, आपको पता? नहीं। इसका रीजन ये कि जो हमारे पैगंबर थे उनकी जो बिल्ली थी उनका नाम था मोइजा। अच्छा। हाँ। ओके ओके ओके, तो फिर मैंने इसको मोइजा का नाम दे दिया। और ये रहा तो ये लाइट्स के बारे में, लाइट्स के बारे में बताते हैं आपको, देखना ऐसे ऐसे डिस्को टाइप लाइट्स बन रही है। हां, लाइट्स का दिखाते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एम्बेड लाइट की, जो आपको काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगी ना फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया। हाँ, ये लाइट्स सबसे जो मेन इसका अच्छा जो फीचर है वो मैं बताता हूँ आपको। ये अब देखना फोन से इसका पूरा कंट्रोल चलता है, एक ये वाला फीचर साथ है। फोन से कैसे चलता है ये? इसमें एक स्कैन वाली डब्बी होती है जिसमें ब्लूटूथ ऑन होता है, तो वो ब्लूटूथ हम ब्लूटूथ कनेक्ट करके चलाते हैं। ये देखो, ये भी चल रही है म्यूजिक पे, जैसे बीट होगी ये वैसे प्ले करेगा। अब देखना जीनत बंदरी, देखो हो रहा ना। ये देखो कितनी सही चीज है ये। हाँ, ये ऐसी म्यूजिक में जब आप रात को ट्रेवल करते हो तो ये लाइट इतना अच्छा फील देती है कि मतलब बंदों को लगता है मैं क्लब में हूँ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ये इसके फीचर्स और भी हैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखो कैसे रोल अप चल रहा है, इनको देखने का फील अलग रात को है। वो वाला शूट अप कर लेना, वो भी दिखाना पब्लिक को रात को कैसा व्यू रहता है इन लाइट का।
वो नेक्स्ट व्लॉग में देखना पड़ेगा आप सबको गाइस। लाइटिंग क्या क्या फंक्शन है वो नेक्स्ट व्लॉग में एक पूरा आप कंटेंट शूट कर लेना, इसमें आपको दिखा दोगे कि लाइटिंग फीचर्स कैसे रात को प्ले होते हैं। नाम लिखाया अपना नाम देखो पहले, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ हट जाएगा जीनत है क्योंकि मेरी गाड़ी है अब से, तो और ये दी बॉयज, अब दी गर्ल्स लिख लूंगी। ये लड़कियाँ हमारी सुल्तनत में बोलो बोलो व्यूअर्स, लड़के हैं मेरे, टेंशन मत लो, ज्यादा लड़के ही है, आप भी की साइड लो। ये क्या है? हाँ ये तुम्हें बताना भूल गया, ब्रिजा, ये बड़ी ब्रिजा है और उसके अंदर ये छोटी ब्रिजा है, इसमें भी हमने वो की। हाँ इसको भी मॉडिफाई करना है ना, बेचारी बुरा मान जाएगी, शीशे काटे जितना चलान हो सकता है कर सकते हो, ठीक है। गाड़ी का नंबर देख लो, BRET और शीशे काले, ये रैप किया है सब कुछ, साइड से लाइनिंग, ये तो पूरी वैसी है आपकी। हाँ, वैसी ना? है, ब्रिजा के अंदर ब्रिजा है ये। ये आपकी नई कार है जो हमने आपको गिफ्ट दी नहीं ये आप रख लो, नहीं नहीं यही तो आपके गिफ्ट दे रहे हैं कार। हाँ। को कार गिफ्ट दे दिया, बोला नहीं गाड़ी की। अच्छा मेरे साथ ही प्रैंक हो रहा है उल्टा। मैटर नहीं करता कि आप बेस मॉडल ले रहे हो या टॉप मॉडल ले रहे हो, मैटर ये करता है आप गाड़ी को, मतलब आप इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक तो बच्चों वाली हरकतें नहीं की अभी। बेस वेरिएंट है तो आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपका बेस वेरिएंट जो होगा टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे बेस ऊपर वेरिएंट अभी फुली कन्वर्ट है। एक चीज रह गई है, इसके मिरर्स ऑटो फोल्ड वो भी हो जाएंगे, कंट्रोल कैसे वर्क करता है ये देखो, ऐसा टॉप मॉडल में फीचर्स आते हैं बट हमने ये बेसिक वाले वेरिएंट में डिस्प्ले डाल के ये डाल के ऑटो फोल्ड मिरर्स सब भी वर्क जो है हो जाएगा। आप अच्छा। अपनी गाड़ी को जैसे मॉडिफाई कराना चाहोगे वैसा हो जाएगा। कोई भी गाड़ी अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो जैसे बेस टू टॉप मॉडल में जो कंपनी का प्राइस डिफरेंस है वो 4-3 लाख होता है, बट वही गाड़ी हम आपको 70,000 से लेके 90,000 के बीच बीच फुली कन्वर्ट कर देंगे, मतलब आपके पैसे 3 लाख रुपए हम बचा देंगे। गाड़ी तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे, आप ही आप कुछ बोलो ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर हमारा स्टोर विजिट करना है तो आप थ्रू मैप भी आ सकते हो क्विक वे मॉडिफिकेशंस, या उसके बाद अपना जैसे आप एमआर के पास पहुंचते हो वहां से अपने लेफ्ट अंदर बठिंडी रोड पे आना है, बठिंडी रोड पे आपको नियर MBHI वाले के साथ ही हमारा स्टोर मिल जाएगा और इतना फेमस है, आपने किसी भी के पास नाम लेना है कि हमें क्विक वे मॉडिफिकेशन जाना है, बंदे खुद छोड़ देंगे आपको। और गाइस मैं आपको बता दूं इनका भी यूट्यूब चैनल है जिन पे ये बहुत कम एक्टिव रहते हैं लेकिन है। हाँ नाम से है। हाँ बट क्या नाम है उनका चैनल का? क्विक वे मॉडिफिकेशन। गाइस जाके सब्सक्राइब कर देना, जो जो व्यूअर्स है पक्का विजिट करना, वैसे तो मैक्सिमम होंगे और हमारा ब्लॉग भी आने लगे। आपका भी चैनल बोल सबके ब्लॉग्स, शिराज ब्लॉग्स को भी गाइस जाके देख लेना, सब्सक्राइब कर देना उनके चैनल पे भी। अब ब्लॉग डाला आपने? अभी डाला नहीं, बस शाम को शाम अभी डालना है। ओके मेरे ब्लॉग से तो पहले डाल दूंगा। आपके ब्लॉग से पहले। सो गाइस देख लेना, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मुझे लगता वक्त कुछ नहीं है, मुझे ये बताओ। 2019 है बट केयर इतनी ज्यादा है, रिस्पेक्ट हद से ज्यादा है, प्यार है, मतलब फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, तो क्या खुद से बस पता नहीं चलना चाहिए। 2019 है, कंफ्यूज करनी चाहिए गाड़ी जहाँ पे 2019 है ये बता दिया उधर से, बोले पता नहीं चलना चाहिए 2019 मेरे मुंह से निकल जाती है, गलती हो गई जैसे इनके मुंह से निकल चुकी है बड़े को। ये भी मैंने इसमें आफ्टर मार्केट डाला, अगर टॉप मॉडल वाली आपको कोई भी सस्ती चाहिए हो, जैसे आर्म रेस्ट हो गया, गियर नॉब हो गया, स्टीयरिंग कंट्रोल, टॉप मॉडल वाली स्टीयरिंग, डिस्प्ले, म्यूजिक अपग्रेड, ऑडियो, कुछ भी, टेपिंग, रैपिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिक वगैरह, कुछ किसी भी बड़े सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स का व्लॉग देखोगे तो उसकी जो भी कार्स में मॉडिफिकेशन हुई है वो हमसे ही हुई है, हम नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है, नाम बोलता है, बस सच कर। लेकिन आपकी एज तो इतनी छोटी है, फिर कैसे किया आपने? क्योंकि अटैचमेंट थी, खुद की गाड़ी मॉडिफाई की, क्योंकि बाकी जो स्टोर्स ऑनर है वो अपनी गाड़ी खुद की मॉडिफाई तो करते नहीं है, लोगों की करते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी खुद की गाड़ी पे फोकस करो, खुद की गाड़ी पे इन्वेस्ट करो, खुद की गाड़ी मॉडिफाई करके बताओ, तभी कस्टमर आप पे बिलीव करेगा और फिर उसको वर्क पसंद आएगा, आपकी मॉडिफिकेशन, आपकी कला जो है तभी फिर वो देख के विजिट करेगा। तो वैसे कुछ हमारा सेटअप है, खुद की जब गाड़ी हमने मॉडिफाई की 2013 से करते आए हैं, तो 2019-20 में जब हमारा कंप्लीट हो गया स्टडी वगैरह, फाइनेंशियल इश्यू सब कुछ ओके, तो फिर उसके बाद हमने इसमें जो है स्टार्टअप लिया, तो अलग से भी बहुत अच्छा नाम है, 2 आउटलेट्स खुल चुके हैं और हमारी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स भी होती है, तो आप एक बार विजिट करो। और एक और चीज नहीं देंगे, जो इनके रेफरेंस पे आएगा, जीनत व्लॉग के रेफरेंस पे आएगा, हम उनको 10% ऑफ देंगे। सच में जाओ जाओ उनसे 10% ऑफ, 10% ऑफ, आपने खाली नाम लेना, वो तो फर्स्ट से मुझे भेज देना।
बिल्कुल ऑफ चलेगा, आप खाली आएंगे जिन्नत का नाम ले लो, जिन्नत का नाम ले, बस नाम लेना और इनका जो है रेफरेंस कोड की कोई जरूरत नहीं है, भाई नाम लेना देख लो 10% ऑफ मिलेगा। अब आपको जाना है और मेरा नाम लेना है, अब मेरी बेइज्जती मत कराना, जाना कोई ना, एक तो जाओ भाई, कोई ना कोई चले जाना, जाएंगे यार तो क्यों नहीं जाएंगे। सो गाइस कैसी लगी आपको मेरी गाड़ी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो क्या हुआ गाड़ी गाड़ी बहुत अच्छी है।